नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर बारह और एन सी ई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरएक्टिव फोन इन सेशन में जो हम लेकर आते हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स पर जहां पर हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये सत्र हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सोशलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा टॉपिक है द डेमोग्रेफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी और यहाँ पर आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पर मेरे साथ नज़र आ रहे हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आपका भी स्वागत है आप हैं श्री अनिकेत पांडा और जैसे हमने आपको बताया कि सोशोलॉजी के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे उसे आप इस्तेमाल करते हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप अपने सभी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं आप अपनी सभी क्वेरीज़ हमें फ़ोन करके बता सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं जो कि एन सी ई आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर जाकर लाइव चैट बॉक्स में अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव फोन इन सेशन में जुड़ें तो चलिए अब मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप हैं मिस क्रिस कृतिका ऑगस्टीन यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशोलॉजी फॉर्म आई टी एल पब्लिक स्कूल द्वारका डेली मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैम और इससे पहले कि हम मैम से पूछें कि आज उनके पास क्या कुछ खास है आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी रिगार्डिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वी आर इंडीड वेरी प्राउड एट इंडिया अज्यूम्ड जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of "Vasudhaiv Kutumbakam," or we can say, the whole world is one family. With that very important piece of information, like quickly. Get back to this session in which we are going to know more about the demographic structure and the topic is the demographic structure of the Indian society. So हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके प्रश्नों का और हम कृतिका मैम आपके पास आएंगे और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज के कंटेंट के बारे में मैम uh, हमारा आज का कंटेंट जो है वो हमें डेमोग्राफी के मीनिंग के बारे में है कि क्या होता है डेमोग्राफी का मीनिंग कितने टाइप्स की डेमोग्राफी होती है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सोशियोलॉजी और एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का क्या इम्पोर्टेंस है क्या रिलेशनशिप है हम क्यों एक सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में डेमोग्राफी की बात करते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे वो है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया फिर हम समझेंगे एथ स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड वॉट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट ये सारे हम सारे के सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जी तो मैम ये तो आपने बताया कि आज का कंटेंट है और हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं जो हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन हम आपसे जानना चाहेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में वॉट एग्जैक्टली डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इस बात uh, मैम सबसे पहले मैं uh, हमेशा एन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जब आप मेरे से कनेक्ट होते हैं ना हुँ. तो आप मेरे से आ, बेसिक डिटेल्स लेते हैं मेरी मेरा नेम आ, मेरे सेशन का चैप्टर नंबर कौन सा है और आ, क्या कहते हैं कौन सी क्लास के लिए दिस इज़ डेमोग्राफी ओके वेरी बेसिक अगर मैं बहुत माइन्यूट तरीके से समझाऊँ सेकेंडली जब मैं कल बैठी अपनी रिसर्च करने के लिए समझने के लिए कि मैं अपने बच्चों को ये बात कैसे समझाऊँगी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन uh, मुझे मिली कि स्पिति वैली पे सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड uh, पे हमारे पास एक पोस्ट ऑफिस है ओके ऑलराइट एंड स्पिति वैली पे छः महीनों के लिए ये पोस्ट ऑफिस बंद रहता है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस आई मीन दर इज एक्सट्रीम स्नो तो इसलिए कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं हो पाती हैं नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे डिटेल में समझा सकती हूँ तो uh, मैंने एक छोटा सा स्टोरी सम, बनाने की कोशिश करी तो एक विलेज है और उस विलेज में uh, एक आई चेकअप होना है Okay. तो विलेज की पंचायत सोचती है कि अब हम ये आई चेकअप तो करवाना चाहते हैं लेकिन करवाए कैसे हुँ. तो पंचायत बैठती है हुँ. और सोचती है ये कैंप ऑर्गेनाइज कैसे कराना है वो हर फैमिली के पास जाती है हुँ. और उनकी डिटेल्स लेती है फैमिली के नाम मेंबर्स का नाम कितने मेंबर्स हैं टोटल फिफ्टी अबव कितनी है बिलो फोर्टीन कितने हैं कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं इस पूरे डेटा को गैदर करने के बाद जो पंचायत के हेड है वो जाते हैं हॉस्पिटल डिटेल सबमिट करते हैं कि हमारे पास अस अज्यूम सौ फैमिलीज हैं hmm. और हर फैमिली में फिफ्टी मेंबर्स हैं। ओके, ओके, सॉरी फाइव मेंबर्स हैं तो इट हेल्प्स द हॉस्पिटल इन ऑर्गेनाइजिंग दैट आई चेकअप कैंप कितने हमें डॉक्टर्स चाहिए होंगे कितना हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होगा कितने हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे सो इफ आई लुक एट द वर्ड डेमोग्राफी इट इज़ अ ग्रीक टर्म जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डेमोस एंड ग्राफिन डिमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफिन का मतलब होता है डिस्क्राइब सो इन शॉर्ट डेमोग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल a systematic स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ओके फाइन तो मैम जैसे आपने बताया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप हर इंडिविजुअल की आप स्टडी कर पाएँ यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं अगर हम अपने इंक्लूसिव क्लास की बात करें तो किस तरह से उन्हें ये सब चीज़ें और ये चाप्टर पढ़ाया जा सकता है मैम मैम इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आर हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स है राइट एंड अ टीचर शुड बी इक्विप्ड इनफ़ कि वो अपने हर लर्नर को एड्रेस कर सके सो दे नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान ताकि हर लर्नर की नीड केटर हो सके चाहे वो विजुअल लर्नर हो चाहे वो साम्बरी हु लर्नस वाया ऑडियोज हु लर्न वाया या so multiple methodologies can be used by the teacher the first step is reiteration of the content that needs to be taught to the students hmm. one second introduction of vocabulary जैसे मैंने जब ये पढ़ाना शुरू करा तो मेरे कंटेंट में वर्ड्स लिखे हुए थे डेमोग्राफी डेमोग्राफिक डिविडेंड टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी सो व्हेन द चाइल्ड इज ओपनिंग द चैप्टर ही नोज द कंटेंट दैट इज बीन टॉक्ट ठीक है उसके बाद हमारे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स यूज करनी चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज दिस पिक्चर और आई हैव यूज ब्रेल इन माई स्क्रिप्टी राइड आई हैव यूज एग्जाम्पल देने के लिए मैंने पूरी डेमोग्राफिक शीट क्रिएट करी है आई हैव यूज क्लिप आर्ट्स आई हैव यूज पोस्टर्स फ्राम द इंटरनेट आई हैव यूज अ केस स्टडी कि क्यों एक पोस्ट ऑफिस इतने हाई आल्टीट्यूड पर है सो दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच आई एम रीचिंग आउट टू माई लर्नर्स ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके जी तमाम तो ये तो डिफरेंट वेज़ रहे क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम एज यू जस्ट सेट की नीड ऑफ दी है हमारे टाइम आज के नीड के समय की नीड है ज़रूरत है तो हम समावेशी कक्षा रखते हैं अगर हम स्पेसिफिक टॉप चैप्टर की बात करें इस टॉपिक की बात करें तो सोशोलॉजी में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैम मैम सोशोलॉजी इज़ दी ऑफ सोसाइटी एंड फॉर अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चैप्टर की बात करते हैं इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हाउ विल द सोसाइटी फंक्शन डेमोग्राफी हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस बिकॉज बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट दैट डिवेलप्ड इन यूरोप तो यूरोप में ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही थी डिवेलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस नेशन स्टेट एंड द सेम टू थिंग्स आर बींग अप्लाइड टू इंडिया ऑल्सो कैसे एक गवर्नमेंट फंक्शन करेगी कैसे वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करेगी Right. Hmm. So that is why to understand the functioning of the society, we need these terminologies. For example, if you look at my screen, I have used terms and concepts like death rate, birth rate, hmm. infant mortality rate, sex ratio, fertility rate, replacement rate. All these are very important terminologies of demography. Hmm. In fact, जब is an inclusive classroom so I can use mind maps. ओके एक्सप्लेन द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड एंड उनका मतलब क्या होता है बिकॉज़ हम जितना चीजों को ब्रेक डाउन करके अपने बच्चों को समझाएंगे उतना ही मेरे लिए एज अ टीचर इजी होगा उनको रीच आउट करना हम्म hmm. अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चे कहते हैं सोशल साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी हमें ज्योग्राफी uh, नहीं पढ़नी या हमें hmm. मतलब सोशल साइंस नहीं पढ़ना क्यों हम अपने बच्चे को डराए हमारा काम है उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना हर लर्नर को रीच आउट करना सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्क्रीन पर आप वापस जाएंगे मैंने वर्ड यूज़ करा है सेक्स रेशियो मैंने उसके साथ इतना बड़ा एक फोटोग्राफ लगाया है उस पिक्चर में मैंने मेल फीमेल अगर आप हाँ, वो ब्लू एंड पिंक पिक्चर देखेंगे 59% 51% मेल्स एंड फीमेल्स इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन द टर्म सेक्स रेशियो राइट सो All these are ways through which I can teach in an inclusive classroom and reach out to my learners. And this topic, demography profile or demographic study, is helping to form modern policies. For example, our government has policies like Beti Bachao, Beti Padhao. Hmm. वो सेक्स रेशियो से रिलेटेड राइट बिकॉज टू इनकरेज द मेल फीमेल बैलेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ पॉलिसी अब गवर्नमेंट को कैसे पता हमें ये पॉलिसी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेटिस्टिकल डेटा था hmm. कि इतना रेशियो ऑफ वुमेन है और इतना रेशियो ऑफ मेन है सो टू रीच आउट टू द फीमेल सेक्शन टू इनकरेज फीमेल लिटरेसी एंड टू इनकरेज मोर एंड मोर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडली आई थ्रो सम लाइट ऑन द स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग बर्थ रेट डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोटेलिटी रेट जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर की बात करते हैं डिक्रीजिंग डेथ रेट हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है Hmm. क्यों क्योंकि हमारे पास स्टेटिस्टिकल डेटा है टू प्रूव इट सो जब डेथ रेट डिक्रीज होता है इट आल्सो हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन द सोसाइटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अप्रोक्सीमेटली एटी सेवन थाउजेंड पीपल है is it because they are looking forward to better standard of living and that is why they are going to these countries mm -hmm. and can then our government provide similar facilities so that is how i mean you know sociology and demographic structure is correlated okay through understanding patterns of migration push and pull factor q hmm. rural say urban low migrate q urban say urban migrate q hmm. is a very important factor to understand the functioning of the society okay right that is why it is very important for us also to understand types of demography hmm. there are two types of dem demography formal demography that talks about change in population size ेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉप्यूलेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले शीट दिखाई थी आपको hmm. जो पंचायत के मेंबर्स ने कलेक्ट करना था डेटा दिस इज फॉर्मल डेमोक्रेफी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेफी अब सिमिलरली वी हैव सोशल डेमोक्रेफी द फैक्टर्स दैट आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजन फॉर फॉर्मल डेमोक्रेफी टू एक्सिस्ट फॉर एग्जाम्पल सडनली जुलाई ऑगस्ट के मंथ में गवर्नमेंट और पंचायत क्यों एक आई कैंप लगाना चाहती है वो इसीलिए आई कैंप लगाना चाहती है क्यूंकि कंजेंटिवाइटिस इस वक्त राइस पर है सो आई यू अंडरस्टैंडिंग थ्रू कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू ऑल्सो हैव रीजन टू कलेक्ट दैट डेटा सो द रैंडर इज नो रैंडम रीजन फॉर मी टू पिक अप पोस्टर ऑन Conjunctivitis. I was trying to draw a correlation between how the data collection will have a correlation with social or some other reasons. राइट ओके मैम अब uh, मुझे लगता है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को या जितने भी व्यूअर्स हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बहुत आ, अच्छे से पता चल चुका होगा और क्या क्या किया जा सकता है समावेशी कक्षा में ये भी मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर आपने क्योंकि बिकॉज पॉपुलेशन की भी बात की है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारे देश में पॉपुलेशन को लेकर कोई पॉलिसी है टू वी हैव सच पॉलिसीज टू Ma, your surprise, ma'am. Hmm. India was maybe the first country to have a publicly announced population policy in 1952. Okay. And the major aim of this population policy was to decrease the rate of growth of population.

सो एज अ टीचर इट इज माई इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं अपने बच्चे को बेसिक चीज़ इस चैप्टर से क्या लर्न करनी है वो प्रोवाइड करूँ सो फॉर एग्जाम्पल आई हाईलाइटिड स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सो मैंने को रिलेशनशिप ड्रॉ कर दिया कि बच्चे ने पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या लर्न करना है उसका मेजर एजेंडा दैट इज स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इफ यू नोटिस रीजन बींग अगर मैं एक ही चीज को बार बार रिहाइट्रेट करूंगी तो मेरा बच्चा क्लास रूम में ही लर्न करके चला जाएगा डेव टू टेक अ बैगेज हो राइट hmm. right? फिर उसके बाद मैंने की पॉइंट में डाले वर्ड्स अपने उस पॉलिसी के जो एजेंडाज थे कि हम कैसे उस पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे तो हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड इंक्रीज करेंगे पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे राइट hmm. right? फिर ग्रेजुअली दिस पॉपुलेशन पॉलिसी बिकॉज आफ्टर अ सर्टन पीरियड इट हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड वी हैड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन सो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम देन इन टू थाउजेंड सेवनटीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ट्वेंटी सेवनटीन अब अगर आप मेरी नेक्स्ट लाइव पर जाएंगे तो आप देखेंगे द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ट्वेंटी सेवनटीन देर आर मल्टीपल एजेंडा फॉर एग्जाम्पल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहते हैं न्यू नैटर मोर्टालिटी रेट कम करना चाहते हैं सो so, एज अ टीचर नाउ इट इज माई रिस्पांसिबिलिटी मैं बच्चे को यह नहीं बोलूंगी कि सारे के सारे लर्न कर लो इट इज़ इन ह्यूमन मैं अपने बच्चों को बोलूँगी एज पर द लर्निंग स्किल कोई बच्चा छोटा सेंटेंस लर्न कर सकता है कोई बच्चा लंबा सेंटेंस लर्न करके कंफर्टेबल होता है कोई बच्चा स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स लर्न कर सकता है इजीली कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स लर्न नहीं कर सकता है सो आई हैव लेड डाउन ऑल दीज एजेंडाज ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ट्वेंटी एंड आई लीव इट टू द चाइल्ड कि आपने अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चार या पाँच एजेंडाज लर्न करने हैं वो लर्न करिए hmm. जी तो मैम ये तो जैसे आपने बताया कि हमारे पास एक पॉपुलेशन पॉलिसी uh, है और 1952 में ही हमारे पास एक पॉपुलेशन पॉलिसी आ गई थी एज वी ऑल नो डैट वी हैव सर सर पास चाइना इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है तो अगर हम देखें इतनी पॉपुलेशन है इतना बड़ा देश है हमारा तो और हमारा अगर देश हम देखें तो वी आर डेवलपिंग नेशन राइट अभी हम एक विक, विकासशील देश हैं तो क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है मैम दो महीने ऑलमोस्ट तीन महीने से कंटिन्यूसली फर्स्ट पेज की हेडलाइंस थी इंडिया सर पासिज चाइनाज पॉपुलेशन इंडिया सर पास चाइनाज पॉप्यूलेशन हियर आई इंट्रोड्यूस यू टू अ नदर कीवर दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट दैट इज प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन कंपेरिजन टू नॉन वर्कर ओके एंड फॉर दोज हुंक दैट दिस पॉप्युलेशन कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफकोर्स क्योंकि हमारे रिसोर्सिस लिमिटेड होते हैं और hmm. अगर लोग ज्यादा हो तो इट कैन क्रिएट एन इम्बेलेंस बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एज ऑफ नाउ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंट इज इन फेवर ऑफ इंडिया मतलब अगर चाइना और यूएसए में अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एक एवरेज सिटीजन थर्टी सेवन ईयर्स का है इन द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स द पर्सन इज मूविंग आउट ऑफ द वर्किंग फेयर

उसके पीछे भी काफी चीज़ें yes. हैं काफी फैक्ट्स एंड सेट्स हैं या फिर जरूरतें हैं जिसको हमें देखना चाहिए हाँ जी आई मीन ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि hmm. हमें नंबर वन रहना चाहिए वी शुड रिड्यूस अर पॉपुलेशन बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ एन एवरेज इंडियन इज in between 25 to 30 years of age group which is a very very favorable condition for india if we create human capital if we focus on providing education the right values and health and skill infrastructure to our citizens okay ji yeah. so, to ab क्योंकि आपको काफ़ी डिटेल में मैम ने इन्फॉर्मेशन दे दी इट्स टाइम फॉर रस टू मूव टुवर्ड्स आर कीवर्ड्स फॉर दि सेशन एज यूज वी हैव थ्री की वर्ड फॉर दि सेशन हमारा आज का पहला की वर्ड है डेमोग्राफी हमारा आज का दूसरा की वर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंट हमारा आज का तीसरा की वर्ड है एज स्ट्रक्चर तो ये तो हमारे रहे तीन की वर्ड्स मैम आपके पास हमारे बच्चों के लिए होमवर्क होगा आप प्लीज आ, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए आज का होमवर्क है कि बच्चों को डेमोग्राफी टर्म को डिफाइन करना है एंड दे नीड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड द नीड फॉर डेमो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जी मैम मॉडिफाइड होमवर्क मॉडिफाइड होमवर्क है कि हमें बच्चों को ये इंटरप्रेट करना है कि कैसे एज स्ट्रक्चर हैज़ इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी hmm. समझाया कि केरला का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दे आर मेंटेनिंग अ बैलेंस राइट विच इज़ हेल्पफुल फॉर द इकोनमी सो दे हैव टू एक्सप्लेन कि क्या ये हाई डिपेंडेंसी रेशियो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकती है ओल्डर एंड यंगर जनरेशन में या एक टेंशन क्रिएट कर सकती है जी और यहाँ पर आपको देख रहा है होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट बच्चों आपको इस फॉर्मेट में अपना होमवर्क हम तक पहुँचाना है सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है तब आपकी क्लास देन योर स्कूल नेम एंड एड्रेस तब हमारे आज के एक्सपर्ट का नाम यानी कि कृतिका माम का नाम लिखना है आज के सेशन की डेट और फोटोग्राफ जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है आप लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपना होमवर्क हमें भेजना है हमारे ईमेल पर जो है डी डॉट क्लास ट्वेल्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें होमवर्क भेजेंगे और इससे पहले कि हम ये सत्र वाइंड अप करें हम मैम आपके पास आना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी बात है या टिप्स हैं जो आप हमारे बच्चों के साथ जाते जाते शेयर करना चाहेंगे uh, मैम सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये होती है क्योंकि एग्जामिनेशन हमेशा रिटर्न होता है तो अपना हर आंसर प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज लर्न टू राइट आंसर स्किल ऑफ क्रिएटिंग एन आंसर सो बी रीड योर टेक्स्ट बुक्स बी अवेयर कि आपके आसपास क्या हो रहा है सिर्फ एक हेडलाइंस पढ़ के जैसे हर न्यूज में आ रहा था वी सर पास चाइनाज पॉप जस्ट डोंट कम टू अ कंक्लूजन रिसर्च ऑन इट रिसर्च इज द की टू फ्यूचर मैम वेरी राइटली सेट बाई यू जैसे आपने कहा कि रिसर्च करना है अगर हम आज के टॉपिक को ले लें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप सिर्फ पढ़ के अपना yeah. व्यू या आंसर नहीं लिख सकते हैं आपको बच्चों के लिए रिसर्च जरूर करना पड़ेगा अपना होमवर्क जरूर आपको yeah. स्ट्रॉन्ग करना है तो मैम अभी हमारा समय हो गया है कि हम इस सत्र को यहीं पर वाइंड अप करें Thank लेकिन भाँ. जाने से पहले कृतिका मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए और अपने हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से डिटेल में बताया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में साथ ही अनिकेत हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इससे पहले कि मैं आपसे ले रेलू इजाज़त एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एन की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वर्ष दो हज़ार के लिए एन की पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं आप ये पुस्तकें एन के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली अहमदाबाद बंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं ये सेल्स काउंटर्स प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छः बजे तक कार्यरत हैं पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। अगर आप इन बिक्री केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पे जो है एन सी ई आर टी बुक्स डॉट एन सी ई आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन ये सारी किताबें आपको आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी और आप यदि इनका पी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है आपको जाना होगा एन दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें हमारी वेबसाइट है एन सी ई आर टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन ताकि आपको सभी ऑथोराइज वेंडर्स की डिटेल पता चले इसी बात के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त नमस्कार